सो है गाइस, वेलकम टू माय वीएस क्रिएशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि आज अपन अपने पिक का बैकग्राउंड किस प्रकार से स्नैपसीड के अंदर चेंज कर सकते हैं एकदम परफेक्ट लुक के साथ। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मैं यहाँ से अपना स्नैपसीड ओपन कर लेता हूँ। सो हमको प्लस आइकन पर टैप करके अपना फ़ोटो को चूज़ कर लेना है। सो गाइस, मैंने अपने फ़ोटो को एकदम चूज़ कर लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे टूल पे। टूल पे जाने के बाद हम क्रॉप वाला ऑप्शन पे टैप करेंगे। इसके बाद हमको अपने फ़ोटो को एडजस्ट करके क्रॉप करना है। तो मैंने अपना एकदम परफेक्ट क्रॉप कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से इसको राइट कर देंगे। यहाँ से आने के बाद हम वापस से टूल पे क्लिक करेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमको ऑप्शन दिखेगा डबल एक्सप्लोर, इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ से प्लस वाले आइकन पर हम टैप करेंगे। इसके बाद हमको हमारा बैकग्राउंड चूज़ करना है। तो हमारा भी बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है विजिबिलिटी और ओपेसिटी का, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से। तो मैं अपना बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट एडजस्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से ओपेसिटी को फुल कर देंगे। फुल करने के बाद हम यहाँ से इसको राइट कर देंगे। राइट करने के बाद हम यहाँ से ऊपर एरो वाले निशान पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे व्यू एडिट पे जाएंगे। व्यू एडिट पे जाने के बाद हम यहाँ से डबल एक्सपोज को टैप करेंगे और हमको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है डिलीट का, सेकंड है ब्रश का और थर्ड है सेटिंग का। तो हमको ब्रश पे क्लिक करना है। सो हमारा फोटो जैसे आ चुका है। तो हमको यहाँ पर एरो मिलते हैं, तो इसको अपन अगर कम करेंगे तो अपने बैकग्राउंड थोड़ा हल्का नज़र आएगा, और उसको फुल कर दें तो एकदम परफेक्ट होगा। तो आपको एकदम इसको 100% करके रखना है। इसके बाद हमारा फ़ोटो को जूम करेंगे। फोटो जूम करने के बाद यहाँ से अपनी बॉडी को छोड़ के पूरे बैकग्राउंड को ऐसे रिमूव कर लेना है और ऐसे ब्रश चलाना है। तो इस चीज़ में आप जितना टाइम दोगे ये उतना ही अच्छा नज़र आएगा। तो इस चीज़ में आप जितना टाइम दोगे आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड उतना ही अच्छा चेंज हो पाएगा। अपना पूरा बैकग्राउंड एकदम परफेक्टली ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से राइट करेंगे। राइट करने के बाद हम यहाँ से बैक आएंगे। बैक पे आने के बाद हमको यहाँ पर सेलेक्टिव को टच करना है। सेलेक्टिव के बाद हमको यहाँ सेलेक्टिव जैसा कि हमको ये सो गाइस, हमको यहाँ पे ये खुल जाएगा। सो गाइस, हमको यहाँ पर ये सेलेक्टिव हमारा खुल चुका है। इसके बाद हमको सबसे पहले टैप करना है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने इसको टच करा, उसको सर्कल को थोड़ा छोटा करा। इसके बाद हम इसको प्लस की तरफ करेंगे। प्लस के बाद हम जहाँ जहाँ हमको हमारी स्क्रीन लाइट करनी है उसको यहाँ पे टच करके फुल कर देंगे। जितना बड़ा मैं आपके साथ तब बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर वो टैप करना है, यहाँ से आके और ऊपर वाले को थोड़ा हल्का हल्का बढ़ाएंगे। सो इसके बाद हमको यहाँ से राइट करना है। इसके बाद हमको हमारी स्किन को स्मूथ करना है। तो इसमें स्किन स्मूथ के लिए हमको सबसे पहले जाएंगे
टूल पर आने के बाद हमको यहाँ से पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमको टैप करना है। सो हमको ये ऐसा इंटरफेस मिलता है। सो गाइस फिर हमको इसको नीचे से स्क्रॉल करना है। सो हमको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, फेस स्पॉटलाइट, स्किन स्मूथनिंग, आईज क्लियरिटी। हमको स्किन वाला करना है, तो स्किन के लिए हम इसको प्लस की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद हम आईज क्लियरिटी बढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। सो डन करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और हमको ट्यून इमेज पे जाना है। ट्यून इमेज पे आने के बाद यहाँ से सेचुरेशन को -100 कर देना है। इसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ाना है। इसके बाद हाईलाइट इसको भी थोड़ा कम करेंगे, शेडो इसको भी थोड़ा सा कम करेंगे। इसके बाद आता है इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ब्राइटनेस को भी हम माइनस में कर लेके जाएंगे। तो ब्राइटनेस को भी हम थोड़ा कम करेंगे। इसके बाद यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद एरो पे जाएंगे। एरो पे जाने के बाद व्यू एडिट पे जाएंगे। व्यू एडिट के बाद ट्यून इमेज पे टैप करके ब्रश वाला आइकन सेलेक्ट करेंगे और हमको हमारे शर्ट पर पूरा ब्रश चला लेना है। कुछ चला लेना है हमारे शर्ट पर। सो गाइज मैंने यहाँ से पूरी अपनी शर्ट को ब्लैक एंड वाइट कर लिया है। सो अब बैग आने के बाद हम यहाँ तो वापस टूल पे टच जाएंगे। सो गाइज हम वापस से यहाँ पर टूल पे जाएंगे और वाइट बैलेंस पर टैप करेंगे और टेम्परेचर को थोड़ा सा -6 करेंगे। इसके बाद यहाँ से राइट कर देंगे और इसके बाद यहाँ से ऊपर से डन करके हमारा फोटो को हम सेव कर लेंगे। सो गाइस मैंने यहाँ से अपना बैकग्राउंड एकदम चेंज कर लिया है परफेक्ट लुक के साथ, तो आप देख सकते हैं हमारी स्किन वगैरह। सो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई एडिटिंग से जुड़ी वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी एडिटिंग कैसी लगी।